यार लास्ट लास्ट में हमने चैप्टर नंबर 6 जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। कुछ पॉइंट्स रह गए, दो तीन उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो मेजर टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है वो टॉपिक ये है कि अगर आपके पास रिकरिंग डेसिमल मौजूद है और आपने इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप किस तरीके से कन्वर्ट करोगे। आपके पास एक फ्रैक्शन, अगर आपने किसी को सॉल्व किया, कोई पॉइंट आपके पास आ गया 0.343434 लेट कर लो ये आ गया, तो फ्रैक्शन फॉर्म में आप इसको किस तरह कन्वर्ट करोगे। फ्रैक्शन से डेसिमल में तो आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर में डेसिमल लिखो तो आपको कैलकुलेटर फ्रैक्शन नहीं देता। हम करके भी देख लेते हैं। सबसे बेसिक केस होता है 0.333, तो हाँ अजीब सा हो जाएगा वो। तो अब क्योंकि कैलकुलेटर में आपके पास लिमिटेशन है ना, कैलकुलेटर में आप इनफाइनाइट नहीं पुट कर सकते। कैलकुलेटर में आप 0.333 पुट करोगे मतलब खत्म हो गया ना, आप डॉट 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 ये किस तरह करोगे। मैं भी बात कर रहा हूँ रिकरिंग डेसिमल, मतलब जो खत्म नहीं हो रहे, जो इनफाइनाइट तक चल रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं बार बार, उनको आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। अब तरीका इस तरीके से आप करोगे कि चार कैटेगरी में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहली कैटेगरी क्या है कि अगर आपके पास इस टाइप का आ जाए 0. लेट कर लो ए ए ए और चलता जा रहा है। इसकी एग्जांपल आप सिंपल कंसीडर कर सकते हो कि 0.333 और ये पैटर्न चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा। ये तीन डॉट का मतलब है कि ए पूरे चलते जा रहे हैं। इसको हम बचपन में एक तरीका हमने पढ़ा था, इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। 0. के ऊपर आप एक वर्टिकल लाइन लगा दो ना, ऊपर वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल बार लगा दो, तो ये भी शो कर रहा होगा कि ये जो ए जो है ना ये इनफाइनाइट तक रिपीट कर रहा है। या इसकी एक और नोटेशन भी आपने पढ़ी भी होगी, 0. डॉट लगा दो ऊपर, तो इसका मतलब यही है। यार अरे अपना माइक्रोफोन बंद कर लो। ए के ऊपर डॉट लगाने का मतलब ये होगा कि जो ए है ना ये पूरा इनफाइनाइट तक रिपीट कर रहा है। अब ये हम चैप्टर नंबर 6 में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन डेसिमल्स को आप ज्योमेट्रिक सीरीज के जरिए से आप इसको सॉल्व करते हो। अगर आप देखो तो आएगा 6.6 में आपको टॉपिक मिल जाएगा, मैं आपको बता देता हूं, आप जाके वहां देख भी लेना। 6.6 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, उसमें अगर आप देखोगे इस टाइप के आपको पार्ट नजर आ जाएंगे। तो इसलिए मैं इस चैप्टर में आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूं, लेकिन हम करेंगे नहीं इसको, मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को। ज्योमेट्रिक से कोई ताल्लुक नहीं है इसका, ये आप वैसे ही कन्वर्ट कर लोगे बहुत आसानी से। तो पहली फॉर्म ये है कि 0. के बाद एक नंबर है वो बार बार रिपीट करता जा रहा है, 0.6666 या 0.333 बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, एक फॉर्मूला बस आपको याद रखना है जो कि बहुत ईजी है, ए अपॉन 10^(-1)। मतलब एग्जाम्पल लेते हैं उसके बाद आपको बात समझ आएगी। लेट कर लो आपको बोला जाए 0.666 और ये पैटर्न चलता जा रहा है, इसको आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह कन्वर्ट करोगे, इसकी फ्रैक्शन की फॉर्म होगी जो नंबर रिपीट हो रहा है 6 वो आप ऊपर लिखो, नीचे आप लिखो 10^(-1) मतलब 10 ही होता है, तो ये हो जाएगा 6/9। मजीद सिंप्लीफाई करो ये हो जाएगा 2/3। तो 2/3 को जब आप कैलकुलेटर में लिखोगे ना तो कैलकुलेटर आपको आंसर ही दे रहा होगा 0.66666। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले की मदद से आसानी से किसी भी जो पॉइंट के फौरन बाद एक नंबर रिपीट हो रहा है तो आप उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। पहले सब केसेस सुन लेना, उसके बाद सवाल करना, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट अगर ना क्लियर हो तो आप लोगों का बीच में क्लियर हो जाएगा, ये पहले सुन लो सब। दूसरा केस ये है कि अगर इस तरीके से पैटर्न हो 0.ABABAB, मतलब पहले एक एक नंबर रिपीट हो रहा था अब दो दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 0.AB के ऊपर आप अंडरलाइन लगा दो। अंडरलाइन उसके ऊपर होती है जो पैटर्न रिपीट हो रहा होता है, यहां पे पैटर्न रिपीट हो रहा है AB तो अंडरलाइन मैंने लगा दी AB के ऊपर। डॉट में हम आमतौर पर नहीं लिखते क्योंकि डॉट में हर एक के अलग अलग ऊपर डॉट लगाना पड़ता है, तो या तो इस नोटेशन में आप लिख देते हो या आप इस नोटेशन में आप लिख दो। इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे करना है। कौन कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं AB, तो आप ऊपर लिखो AB, नीचे लिखो 10^(-1)। ये मैंने 10^(1), अब आपको समझ आएगी मैंने क्यों लिखा था, मैं इसको 9 भी लिख सकता था, लेकिन पैटर्न ये था कि बिल्कुल इससे मैच करना था। यहां पे 10^(-1)-1, यहां पे 10^(2)-1। अब एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, यहां पे
लेट कर लो आपके पास आ जाए कि इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करो, 3 2 3 2 3 2 ये पैटर्न चलता जा रहा है और आपको बोला जाए कि इसकी फ्रैक्शन फॉर्म निकालो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप दोनों नंबर जो रिपीट हो रहे हैं उनको आप ऊपर लिखोगे, नीचे आप लिखोगे 10 का स्क्वायर मतलब 100 होता है, 100 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 32/99 और ये आई गेस किसी टेबल से कैंसिल नहीं होता, देख लो ना, तो ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म आ जाएगी। इस तरीके से आप आसानी से 0.32 इस पूरे डेसिमल को कन्वर्ट कर दोगे फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब तीसरा केस देख लेते हैं इसका, आप लोग समझ तो गए तीसरा केस इसी टाइप का होगा, 0.ABC ABC और ये पैटर्न पूरा चलता जा रहा है। अब तीन नंबर पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे हैं, पहले एक नंबर रिपीट हो रहा था, फिर दो नंबर रिपीट हो रहे थे, अब तीन नंबर बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, जिनको आप इस तरह भी लिख सकते हो 0.ABC के ऊपर अंडरलाइन लिखा था। अब इसकी ट्रिक होती है कि आप लिखो ABC/10^3-1 बिल्कुल उसी पैटर्न पे, तो आपको याद करने में कोई मसला नहीं होगा, जो आपने इस तरह फॉर्मूले याद रखे थे सेम उसी तरह याद रखे हैं आपने। एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं 0.321 321, अरे पैटर्न चलता जा रहा है, बाय द वे सब रैशनल नंबर्स हैं, रिपीट हो रहे हैं ना, रैशनल नंबर्स हैं सभी, तो यहां पे पैटर्न रिपीट हो रहा है 3 2 1, तो आप लिखोगे 3 2 1 ऊपर, नीचे होगा 10^3-1, सिंप्लीफाई करो, 10 का क्यूब होता है 1000, 1000 में से 1 कम करो तो 999, ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, कितनी दफा वो सवाल इस तरह भी देते हैं, एनईटी में तो मैं नहीं देखा खैर, लेकिन फिर भी बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि वो बोलते हैं कि ये पूरा नंबर जो है ना, जो डेसिमल्स है, ये बराबर है P/Q के, मतलब वो बोलते हैं कि डेसिमल जो है वो एक फ्रैक्शन P/Q के बराबर है, आप फाइंड करो P+Q, कैसे फाइंड करोगे, तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा कि आप इसको कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब उन्होंने फ्रैक्शन क्या दी थी, P/Q, आपकी फ्रैक्शन क्या आई, 32/99, तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये कि P की वैल्यू क्या हो जाएगी 32, Q की वैल्यू हो जाएगी 99, आप इनको आपस में ऐड कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा, या वो आपको सब्ट्रैक्ट करने का भी बोल सकते हैं, तो ये सब काम हो जाएंगे जब आपने फ्रैक्शन निकाल ली ना, तो अब आप देख सकते हो कि P की वैल्यू आपको मिल जाएगी, Q की वैल्यू मिल जाएगी, आपकी लाइफ जो है वो आसान हो जाएगी। लेकिन इसका सबसे पहला काम ये करना है कि फ्रैक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना, अगर आपको नहीं पता कि किसी नंबर से कैंसिल हो रही है नहीं हो रही तो आप कैलकुलेटर में पुट कर दो, कैलकुलेटर जब भी आपको फ्रैक्शन पुट करते हो ना तो कैलकुलेटर आपको उस फ्रैक्शन को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके देता है कि अब वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो रही होती, ठीक है। तो अगर आपको जैसे ये बड़ी फ्रैक्शन है आपको नहीं पता मे बी किसी नंबर से कैंसिल हो रही है नहीं हो रही, तो आप इसको कैलकुलेटर के अंदर पुट करो, अगर सिंप्लीफाई हो रही होगी तो कैलकुलेटर आपको सिंप्लीफाई करके बता देगा, वरना नहीं। तो जब बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगी तब जो सवाल में आपको बोला जाएगा उस तरीके से आप परफॉर्म कर लेना। इन तीन केसेस में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। अच्छा, अभी काफी केस है। अच्छा, अब ये डेसिमल ऐसे भी आ सकते हैं और उसको थोड़ा डिफरेंट करके भी दे सकते हैं ताकि आप लोग घबराना नहीं। लेट कर लो इस तरह आ जाए 1.3333 इस तरह आ जाए। अब आप लोग बोलोगे सर ने तो जीरो के साथ बताई थी, ये वन के साथ कैसे आ गई, अब क्या करना है, तो कोई मसला नहीं है इसके अंदर, इसको आप इस तरह लिख सकते हो ना 1+0.333 बस खत्म, 1 को छोड़ देना, 0.33 को इस तरह सॉल्व करना, एंड पे जो भी फ्रैक्शन आए उसको ऐड कर देना 1 के अंदर, ठीक है। या लेट कर लो ये आ जाए 2.3434 ये पैटर्न चलता जा रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करना 2 को अलग कर लेना, अलग कर लिया उसके बाद 0.34 वाली जो ट्रंक है इस पे ये वाला फॉर्मूला लगा देना, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना, जैसे ही हो जाए आपको ऐड कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इस एक आखिरी केस है और वो केस ये है कि यार अगर पॉइंट के फौरन बाद रिपीटिशन ना हो, जैसे आपने जितने भी सवाल देखे इसमें पॉइंट के फौरन बाद डेसिमल्स रिपीट हो रहे हैं, अगर पॉइंट के फौरन बाद रिपीट नहीं हो रहे फिर आप क्या करोगे, जैसे एग्जांपल में अगर आप उनको दो 1.3414141, ठीक है। अब यहां पे पैटर्न रिपीट क्या हो रहा है 4141, ये पूरा पैटर्न है, लेकिन
ये पॉइंट की फौरन बाद नहीं हो रहा, पॉइंट के फौरन बाद 3 है जो कि इस पैटर्न का हिस्सा नहीं है, उसके बाद आपके पास रिपीट हो रहा है, या मे बी ज्यादा डेसिमल्स बाद रिपीट हो। जैसे कंसीडर करते हैं 3.1.345212121। अब पैटर्न यहां पे क्या रिपीट हो रहा है, 21, लेकिन वो पॉइंट के फौरन बाद नहीं हो रहा, पॉइंट के बाद 3 ऐसे प्लेसेस हैं कि जिस पे पैटर्न नहीं रिपीट हो रहा, उसके बाद पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो इनको कैसे कन्वर्ट करोगे, इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला है, थोड़ा मुश्किल लगेगा आप लोगों को, लेकिन अगर आया तो काफी आसानी हो जाएगी, अदरवाइज दूसरे तरीके हैं वो आपको मसला करेंगे। तो चौथी ट्रिक ये है, मैं इसको जनरल फॉर्म में इस तरह लिखता हूं, 0. ये बात शायद आपको भी समझ रहा है, मैं पता करना चाह रहा हूं, जैसे एक पूरा डेसिमल है ना, ये जो कैपिटल ए है ये ग्रुप को शो कर रहा है, कौन सा ग्रुप, जो रिपीट नहीं हो रहा। जैसे यहां पे देखो ये 3, 4, 5 जो है ना, ये वो नंबर्स का ग्रुप है जो रिपीट नहीं हो रहा, तो मैंने इसको ए कह दिया, कैपिटल ए जो यहां पे लिखा है। और जो कैपिटल बी है ना, ये उन डेसिमल्स का ग्रुप है जो रिपीट हो रहे हैं, 2, 1, 2, 1 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैं एक और एग्जाम्पल भी दूंगा, उसके बाद ही बता दूंगा किस तरह इसको सॉल्व करना है, लेकिन अभी बस थोड़ा समझो, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। आप इसको कन्वर्ट कैसे करोगे, ठीक है, कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा, इसका फॉर्मूला याद रखना है आपने, फॉर्मूला है ए बी डिवाइडेड बाय 10 की पावर स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी माइनस 10 की पावर स्मॉल ए। अब स्मॉल ए किस चीज को शो कर रहा है, ये जो कैपिटल ए है मैंने अभी बताया, ये पूरे ग्रुप को शो कर रहा है जो पैटर्न में रिपीट होने में हिस्सा नहीं ले रहा है, 3, 4, 5 रिपीट होने में हिस्सा नहीं ले रहा। और ये बी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, जो डिजिट्स 2, 1, 2, 1 आपके रिपीट हो रहे हैं। तो ये स्मॉल ए क्या होगा, स्मॉल ए का मतलब ये है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जो इस पैटर्न में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। जैसे ये पूरी चीज तो कैपिटल ए है ना, लेकिन इसके अंदर कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो यहां पे स्मॉल ए क्या हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। और स्मॉल बी क्या होगा, जो पैटर्न में हिस्सा ले रहे हैं, कितने डेसिमल पैटर्न में हिस्सा ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो बी क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। इसी एग्जांपल को मैं पहले फॉर्म से करवाता हूं, फिर मैं एक और एग्जांपल देता हूं, आप लोगों को मामला क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, लेट कर लो, आपके पास आ जाए 0. अभी मैं 0 के साथ करवा रहा हूं, अगर 1, 2 के साथ आए, मैंने आपको बताया 2 को अलग कर देना, पूरा तरीका मैंने बताया है, तो 0 के साथ समझ लो, फिर इशू नहीं होगा। 0.123 कर लेते हैं, फिर 4, 5, 4, 5, 4, 5। अब जरा देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि यहां पे कैपिटल ए क्या है, वो डिजिट जो रिपीट नहीं हो रहे, 1, 2, 3 ये पैटर्न में हिस्सा नहीं है, पैटर्न में हिस्सा कौन ले रहा है, 4, 5, तो इसका मतलब 1, 2, 3 जो है वो पैटर्न में हिस्सा नहीं ले रहे। तो आप सबसे पहले चुप करके 1, 2, 3 लिख दोगे, उसके बाद आप लिखोगे जो पैटर्न में हिस्सा ले रहे हैं, कौन कौन से ले रहे हैं, 4, 5, तो आप चुप करके 4, 5 लिख दोगे। यहां इस ए बी का मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं कर देना 123 को 45 से, इसका मतलब ये कि आप ए को लिखो और उसके साथ बी को लिख दो, दैट्स इट। जैसे मैंने 1, 2, 3 लिखा और साथ में मैंने बी को लिख दिया 4, 5, दैट्स इट, मल्टीप्लाई नहीं करना आपने। डिवीजन में क्या होगा, डिवीजन में होगा 10 की पावर ए प्लस बी, ए का मतलब स्मॉल ए का मतलब कि कितने एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहे, 1, 2, 3 ये वो 3 एलिमेंट है जो रिपीट नहीं हो रहे, तो ए क्या हो जाएगा, 3 के बराबर। प्लस बी का मतलब क्या है, कितने एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, 4, 5, 2 एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, तो 2 हो जाएगा। माइनस 10 की पावर ए, अगेन ए क्या है, क्यूब के बराबर। ये इस पूरी चीज का आंसर है, बस आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। आप लिखो 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5 क्या होती है, 1 लाख, आई गेस, ठीक है, माइनस 10 का क्यूब 1000 होता है, तो 1 लाख में से 1000 निकाल दो तो आपके पास 99,000 बच जाते हैं। तो उसको आप लिखे ना, मैं डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर देते हैं उसको, 99,000। तो अब अगर आपने चेक भी करना, आप इस पूरी चीज को फ्रैक्शन कैलकुलेटर में डालो, पॉइंट में देखना आपके पास ये आंसर आ रहा होगा, ठीक है। यहां तक यार, आखिरी में कोई अगर कोई मसला हो रहा है किसी स्टेप में तो पूछ लो।
एक सेकंड, थोड़े से आंसर में मिस्टेक आ रही है, देख लो कहाँ पे मिस्टेक हुई है, क्योंकि कैलकुलेशन में ना हुई हो। तो पर फॉर्मूले में एक और चीज होती है, मैं भूल गया था, माइनस ए भी होता है। तो 1 2 3 4 5 माइनस ए को आपने माइनस करना होगा, ए मतलब 1 2 3, ये ऊपर आपने माइनस करना है। बस इसमें एडिशन कर लो, अब आपका आंसर ठीक आ जाएगा। एडिशन क्या किया हमने यहाँ पे कि आपने पहले ए बी तो लिखा था ना, ये ए था ये बी था, फिर आप माइनस करो ए से, ए आपके पास क्या था भाई 1 2 3, तो मैंने माइनस कर दिया 1 2 3 से। तो अब ये ऊपर आप सॉल्व कर लो 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 3, तो ये बराबर हो जाएगा 1 के बाद 4 2 है। बस ये इसके अंदर करेक्शन कर लो, दैट्स इट। अब आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करो और अब आंसर देखना। हाँ आंसर यही आ रहा है वहां का, ठीक है। तो सवाल है तो यार पूछ लो, कोई इसमें कोई पॉइंट इसमें मिस हो गया है या कोई इसमें कोई प्रॉब्लम कर रहा है पॉइंट, तो पूछ लो। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। तो जब शुरू के 3 केसेस मैंने डिस्कस किए और जो आखिरी वाला जो है ये आपके सब रिपीटिंग डेसिमल को कवर कर रहा है, जितने आपने डेसिमल देखे होंगे भाई। अच्छा ये पैटर्न चलता जा रहा है, आमतौर पे इतना आता नहीं है, 2 तक वो दे देते हैं, ये भी नहीं देते। अगर ये पैटर्न ऐसा हो कि 0.1234 1234 1234, मतलब यहाँ पे 3 रिपीट हो रहे हैं ना, अगर 4 रिपीट हो जाए तो वही बात रहेगी ए बी सी डी, और नीचे हो जाएगा 10 की पावर 4 माइनस 1, ठीक है। तो फॉर्मूले आपने देख लेंगे, जनरलाइज आप जितने भी डेसिमल रिपीट हो रहे होंगे आप उसके लिए कर सकते हो, कोई मसला नहीं होगा आपको। लेकिन नॉर्मली 2 तक आ जाता है, 3 का बहुत कम होता है, और इस वाले से आपके सारे मसले हल हो गए। अब पॉइंट के बाद जितने भी डेसिमल रिपीट ना हो कोई मसला ही नहीं है आपको, आपको बस ये देखना है भाई कौन से रिपीट नहीं हो रहे, कौन से रिपीट हो रहे, फॉर्मूले में पुट करोगे डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा, तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा।